नमस्कार दोस्तों, सर्प रक्षक समिति से मैं जय दू, कैमरे के पीछे लोकेश मालाकर, हम आए हैं वाटर वर्ल्ड तुरीपारा अशोक साहू जी के यहाँ। यहाँ हमें सूचना मिली थी एक अजगर सांप है, मगर हमने आके देखा तो यहाँ पर एक रसल वाइपर है। चलिए इसका रेस्क्यू करते हैं और बाकी की जानकारी आपको। रसल वाइपर है, वाइपर प्रजाति का सांप है जिसको क्षेत्रीय भाषा में जथरा भी बोला जाता है, महामंडल, चित्तीबोड़ा, पत्थर चित्ती, ये सब नामों से जाना जाता है। और ये काफ़ी खतरनाक सांप है, इसमें ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है। हमारे भारत में पाए जाने वाले जो चार जहरीले सांप हैं उनमें से एक ये है जिसमें ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है। और कई क्षेत्रों में इसी के जो वाइपर स्नेक है उसके सॉय स्केल वाइपर भी मिलते हैं जिसमें ह्यूमोटॉक्सिक होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में जो पाए जाने वाला जो ह्यूमोटॉक्सिक वेनम के साथ लैस जो जहरीला सांप है वो यही है जिसको जथर्रा या वाइपर स्नेक बोला जाता है, रसल वाइपर। और ये काफ़ी खतरनाक सांप है, इसके पास ना जाएं। ये खतरा महसूस करने पर ये जोर से कुकर की सीटी की तरह हवा छोड़ता है और आवाज़ देता है। और इसका आप देखे ही होंगे रेस्क्यू के वीडियो में जो इसकी पहचान है, इसके बॉडी में जो है वो काले कलर का छल्ले जो चैनुमा होते हैं और वाइट धारियां होती हैं उसमें बॉर्डर होती हैं, तो ये जो है सर से पूछ तक होती है और पूछ के लास्ट भाग में ये थोड़ा धुंधला हो जाता है। और इनके नाक काफ़ी बड़े होते हैं और इनके विषदंत भी काफ़ी बड़े होते हैं। और ये अगर किसी को बाइट करे तो सीधे शासकीय हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज आपको शासकीय हॉस्पिटल में ही मिलेगा, सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम जो रहेंगे उसी से आपकी जान बचाई जा सकती है। कभी भी किसी भी सांप के काटने से आप झाड़ फूँक ओझा गुनिया के चक्कर में ना रहें, ओझा गुनिया या झाड़ फूँक के चक्कर में रहेंगे तो आपकी जान जाएगी, क्योंकि उसमें समय बर्बाद होता है। इसका एकमात्र इलाज जो है वो एंटीवेनम ही है। तो चलिए, इसको रेस्क्यू हो चुका है सुरक्षित जगह पर पुनर्वास के लिए, इसके रहवास स्थान में हम लोग इसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। सर्प रक्षक समिति से मैं लोकेश मालाकार, साथ में है जय यदु, धन्यवाद।